वेलकम बैक वीवर्स, हमने एंगुलर जेएस के अंदर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और अब हम उस स्टेज पे हैं कि हम उन अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाएं। तो इस वीडियो से हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। वो प्रोजेक्ट क्या है? एक शॉपिंग लिस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शॉपिंग लिस्ट का जो हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है ये किस तरह से वर्क करेगा। तो ये मैंने डेमो ओपन की हुई है। इसमें यह है कि हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं और बेसिकली ये एक शॉपिंग लिस्ट है। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे और जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरे जो कार्ट है उसमें ऐड हो जाएगा। इसमें मैंने क्लिक किया, इसकी जो प्राइस है वो $500 है, वो टोटल में यहाँ पे शो हो रही है और इसका कलर चेंज होगा, यानी कि ये अब एक्टिव है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा दूसरे प्रोडक्ट पर तो ये भी यहाँ पर $220 इसकी भी ऐड हो गई और जो टोटल बिल है वो $720 बन गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका बिल भी शामिल हो गया और इस पर भी। अब ये चारों प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी लिस्ट में ऐड हो गए हैं। अगर मैं फिर क्लिक करता हूँ तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा लिस्ट में से, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करने वाले हैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसको अचीव करेंगे। ये मेरे पास ये प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन है। इसमें मैंने एंगुलर जेएस की जो लाइब्रेरी है उसको सिर्फ डाउनलोड किया हुआ है, बाकी हम स्क्रैच से इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक index.html की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जो कि हमारी प्रोजेक्ट की मेन फाइल होगी। इसके साथ मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा script.js, जिसमें हम अपनी बेसिकली जावा जो एंगुलर जेएस की जो कोडिंग है हम उसके अंदर करेंगे। तो इसको मैं .js की एक्सटेंशन से सेव करता हूँ, ये हमने क्रिएट कर लिया। इसके साथ ही मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा style.css, जिसमें हम स्टाइलिंग करेंगे। तो ये हमारे पास सारी फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं, हमारी सारी फाइल्स हमने क्रिएट कर ली हैं। अब इसको मैं ओपन करूँगा अपने एडिटर में, तो ये फाइल्स सारी मेरे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। सबसे पहले मैं index.html को ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर index.html में आया तो इसमें मैंने सिंपल html लिखूँगा, तो ये जो html का बेसिक पेज है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ project 1, यानी जो इसका टाइटल हो गया वो project 1 हो गया। अब इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करके देखता हूँ, तो ये ब्राउज़र में बेसिकली ये लोकल होस्ट पे मैंने इसको रखा हुआ है, लोकल होस्ट और project 1, और ये project 1 यानी कि index.html की फ़ाइल ओपन हो गई है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ लिख के चेक करता हूँ ताकि ये वाकई वही फ़ाइल ओपन हुई है या कुछ और आपको तसल्ली हो जाए। ये फ़ाइल हमने ओपन कर ली है index.html। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एंगुलर जेएस की लाइब्रेरी को लिंक करूँगा और उसके साथ ही मैं जो स्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसको लिंक करूँगा और स्टाइल की जो फ़ाइल है उसको भी लिंक करूँगा। तो पहले स्टाइल वाली फ़ाइल को मैं करता हूँ लिंक, तो उसमें क्या है style.css की जो फ़ाइल है इसको मैंने करना है लिंक। style.css की जो है वो लिंक हो गई है। अब इसको देखने के लिए प्रॉपरली लिंक हुई है या नहीं हुई तो मैं जो बॉडी का कलर है उसको चेंज करूँगा, बैकग्राउंड रेड, ये बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, यानी कि हमारी जो style.css की फ़ाइल है वो प्रॉपरली लिंक हो गई है। इसके बाद मैं क्या करूँगा जनाब, ये जो script.js की फ़ाइल है इसको लिंक करना है मैंने, बल्कि उससे भी पहले मैं लिंक करूंगा जो एंगुलर जेएस की फ़ाइल है उसको, angular.js, और इसके बाद मैं लिंक करूंगा script.js की फ़ाइल। ये तीनों फाइल्स अब लिंक हो चुकी हैं। अब मैं इसको यहाँ से ये स्टाइलिंग ख़त्म कर देता हूँ। ये तीनों फाइल्स लिंक हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर जो है वो इसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।